बेगूसराय में बेरोजगारी का आलम देखिए, जहां सीटेट करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर मोहम्मद जहांगीर नाम के शख्स ने स्वरोजगार के रूप में ई रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दिया, जिससे वो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हमको स्कूल में रहना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमको रिक्शा दिए, बोले आप यही चलाइए, तो हम यही चलाने पे मजबूर हो गए। अगर आप वो अगर हमको टीचर में दे दिए रहते तो आज हम ये रिक्शा का सहारा नहीं लेते, क्योंकि पेट के लिए सर कुछ करना पड़ता है, मजबूरन हो गए तब जा करके हम ये रिक्शा चलाते हैं। और 200-400 कमा लिए ठीक है, और ये मेरा भविष्य नहीं हुआ, कम से कम ये हुआ कि पेट कुछ पाल सकते हैं सर। बीएड करके सीटेट पास करके आज इनको टीचर होना चाहिए और वो आज रिक्शा चला रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। ये सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सीटेट पास रिक्शे वाले के नाम से मशहूर मोहम्मद जहांगीर न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच चर्चा का केंद्र भी बने हुए हैं। जहांगीर का रिक्शा जहां से गुजरता है, लोग उन्हें बड़ा ही सम्मान देते हैं और उनके रिक्शे पर बैठकर गौरवान्वित महसूस करते हैं।